की उम्र भी सोचिए क्या उम्र होगी जब आमिर खान की बड़ी बेटी ईरा ने इतना दर्द सहा। जी हाँ, आमिर खान की बेटी ईरा ने सहा था बहुत ही बुरा दर्द। 14 की उम्र में अफ्यूज़ का हुई थी वो शिकार, जिसके कारण वो सालों डिप्रेशन में भी रही हैं। शायद ही आपको मालूम हो, दरअसल आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर कई तरह की खबरें आपने सुनी होंगी। क्या आपको मालूम है आमिर खान की बेटी को लेकर कैसी खबर आई थी? आमिर खान की बेटी ईरा, जो काफ़ी डिप्रेस्ड रही हैं, एंग्जाइटी का जिन्होंने काफ़ी सामना किया है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, आमिर खान की बेटी जो सोशल मीडिया पर आए दिन रिएक्ट करती हैं, अपनी बातें उन्होंने बताई थी, पास्ट को लेकर उन्होंने बताया था। कई बातें ऐसी हैं आमिर खान की बेटी को लेकर जो शायद आपको मालूम ना। 14 की उम्र में उन्होंने काफ़ी तकलीफ झेली थी, उनके पेरेंट्स ने उन्हें संभाला था, आमिर खान थे जिन्होंने बुरे सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाला था। आज आमिर दूसरी पत्नी के साथ भी तलाक ले चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी को इससे दिक्कत नहीं। दूसरी माँ यानी सौतेली माँ के साथ भी ईरा काफ़ी प्यार भरे अंदाज में नज़र आती थी। सौतेले भाई आज़ाद को भी खूब प्यार देती थी, उन्होंने बताया था। आमिर रीना दोनों ही अलग होने के बावजूद अपने बच्चे को कैसे संभाल रहे थे। जी हाँ, इस बारे में आमिर ने बताया था, आमिर खान की बेटी ने बताया था कि उन्हें मालूम नहीं था कि उस वक्त इस तरह का गलत काम क्या होता है जिसका वो शिकार हो चुकी थी। हर दिन ऐसी चीज़ें होती हैं और नहीं मालूम होता, उस वक्त उनके साथ भी हो रहा था। अपने पेरेंट्स को उन्होंने ईमेल लिखा था और उन्होंने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनकी मदद ली थी। उन्होंने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगता, अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी हूँ और इस बात को बताते हुए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं उस वक्त किसी से बात नहीं करती थी, मैं सोचती थी कि मैं अपने आप तक बातें रखूँगी तो सही है, लेकिन गलत होता है, अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। अपने पिता और माँ के डाइवोर्स पर उन्होंने कहा कि इससे कोई डर नहीं था, वो बहुत छोटी थी, माँ बाप का तलाक हो गया और इससे कुछ गलत नहीं हुआ, ना तो उन्हें इसका सदमा लगा, क्योंकि इसकी वजह से उनकी परवरिश में कोई दिक्कत नहीं आई। आमिर रीना हमेशा दोस्त रहे, फैमिली फ्रेंड्स की तरह रहे और कभी उनका परिवार टूटा नहीं। पेरेंट्स हमेशा जुनैद और इरा का ख्याल रखते थे डाइवोर्स के बाद भी, इसलिए उन्हें तकलीफ़ नहीं थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।